से ते हो धर्म के साल के अपने निवास में एक साल बीच में
दो बार अलग अलग समय पर गांधी जी इस देश में बिता चुके थे। उस जमाने के नेतृत्व में से कई लोगों से मिल भी चुके थे। दक्षिण अफ्रीका रहते हुए दादा भाई नवरूप जी से इंग्लैंड के साथ उनका संबंध रहता था, चिट्ठी पत्री होती थी और कई बार दक्षिण अफ्रीका के अपने सत्याग्रह के विचारों के साथ भारत की समस्याओं को इजोड़ते भी रहते। गोखले जी ने उनको एक सैनी सलाह दी थी सैनी सलाह इसलिए मैं कह रहा हूं केवल इसलिए नहीं कि उसमें गोखले जी के अपने अनुभव का निचोड़ भी था, लेकिन उस सलाह में गांधी जी के बारे में गोखले जी का अपना जो अभिप्राय बना था वो अभिप्राय भी उस सलाह में झलकता था। उन्होंने मुझे ये कहा था भारत में तुम्हारी जरूरत है, तुम भारत आओ। बहुत वर्ष दक्षिण अफ्रीका में काम किया और भारत में तुम्हारी सेवाएं लगनी चाहिए। वहां जाकर क्या काम करना, क्या कार्यक्रम उठाना, उसके विषय में मैं तुम्हें कुछ सलाह नहीं दूंगा। उनको ये मालूम था कि गांधी कार्यक्रम तो खुद का ही तय करने वाला, कार्यक्रम के बारे में मैं कुछ सलाह नहीं दूंगा, लेकिन ये जरूर सलाह दूंगा कि किसी भी प्रकार का जाहिर में कोई घोषणा करने से पहले इस देश को तुम अच्छी तरह से समझ लेना। और उसके लिए उन्होंने चाबी ये बताई थी कि आंखें खुली रख कर देखना, काने कान खोल कर सुनना, लेकिन मुंह मत खोलना। एक साल भर के लिए पब्लिक स्पीच मत देना। एक सफल सत्याग्रह का सेनापति आ रहा था, इसी देश में जगह जगह उनका सम्मान हुआ था और सम्मान पत्रिकाओं के जवाब में गांधी जी बोले भी थे, लेकिन अपने कई पब्लिक भाषण उन्होंने गोखले जी की सलाह के अनुसार एक साल तक एक भी किया नहीं। गोखले जी ने कहा था भारत को देख लेना, को समझ लेना। टूरिस्ट लोग भी भारत को देखते हैं और कई टूरिस्ट लोग समझ कर उनके बारे में किताबें भी लिखते हैं, कभी कभी उपन्यास भी निकालते हैं। भारत को देखने और समझने का गांधी का तरीका कुछ भी नहीं। पीटर मारिसबर्ग स्टेशन पर फर्स्ट क्लास का मेरा टिकट है, मैं अपनी इच्छा से तो इस डिब्बे में से नहीं उतरूंगा, यह कहने वाला आदमी भारत में आकर तय करता है कि भारत के अधिकांश निवासी जिस क्लास में सफर करते हैं उसी क्लास में मैं सफर करूंगा। भारत देखने का उसका तरीका